दोस्तों यार, ये बंदा जब भी कोई मूवी या सीरीज लेके आता है तो हम सबको एंटरटेन कर देता है एंड कुछ ना कुछ हमेशा नया लाता है। इसकी एक्टिंग में कुछ ना कुछ नयापन हमेशा देखने को मिलता है। तो गाइस यार, आज हम रिव्यू करेंगे चमन बार मूवी का, तो वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देख लेना। सो गाइस, चमन बहार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया एंड गाइस सीरीज सॉरी मूवी यार सीरीज देख देख के पागल हो गए, सीरीज निकलता है बार मुंह से। तो अरे, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा धर जी ने एंड गाइस इस मूवी के लीड एक्टर हैं जितेंद्र कुमार यानी कि अपने जीतू भैया एंड गाइस रितिका बदयानी जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं। एंड अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो यार रोमांटिक कॉमेडी मूवी है एंड गाइस इसकी स्टोरी बिल्लू नाम के कैरेक्टर पे बेस है जो कि पान बेचता है। पर गाइस उसका सपना है मशहूर होने का, पर वो मशहूर तब हो जाता है जब उसकी दुकान के सामने वाले घर में खूबसूरत सी लड़की रहने आती है एंड काफी सारे लौंडे लपाटे उस लड़की को ताड़ने उसके वहां पान खाने आते हैं। तो गाइस बस तो बिल्लू यहीं से थोड़ा चमक जाता है एंड गाइस बस इसी पे बेस करके स्टोरी लिखी गई है। एंड बिल्लू को कैसे उस लड़की से प्यार होता है, कैसे वो लड़की पटाता है, मतलब कैसे वो करता है, पटाना थोड़ा गलत हो गया, मतलब कैसे उसको इम्प्रेस करता है, तो यार यहाँ पे ये देखने लायक है। एंड गाइज मूवी जबरदस्त मूवी है, स्टोरी में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा पर गाइज मजा जरूर आ जाएगा। नाउ अगर बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की तो यार पॉजिटिव पॉइंट सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यार मूवी को एक बिल्कुल नया लुक देने की कोशिश की गई है। मूवी बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, रोमांटिक है एंड गाइज जीतू भैया की एक्टिंग है, आप कसम से मज़ा आ जाएगा देख के यार। तो यार उसके लिए तो ये मूवी ज़रूर देखना। एंड अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो यार नेगेटिव पॉइंट बहुत ही लुल्लू पुंजू से नेगेटिव पॉइंट है, मतलब यार मतलब एक ही कैरेक्टर के आसपास पूरी स्टोरी लिखी गई है एंड थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी आपको बोर या फिर ड्रैग होती हुई नजर आएगी। बस यार ये मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं नेगेटिव पॉइंट में, जिसको मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट इग्नोर कर दूंगा। तो यार कुल मिला के मूवी जबरदस्त है एंड गाइज मूवी में एक दो जगह गालियां भी हैं तो यार फैमिली के साथ ऐसे देख सकते हो, पर आप एडजस्ट कर सको तो अपने हिसाब से वो आप ही देख लेना। एंड ओवरऑल यार मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है और अगर आपको थोड़ी सी लव स्टोरी मूवी या फिर कॉमेडी मूवी देखनी पसंद है तो यार आप इसे ज़रूर से ज़रूर वॉच कर सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू इस मूवी के ऊपर। चमन बहार मूवी मतलब एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, गालियाँ हैं देख लेना अपने हिसाब से। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।